अस्सलाम वालेकुम टू ऑल फेलोज, मैं हूँ असमत खान नियाज़ी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आज जो मैंने वीडियो बना रहा हूँ ये है रीस्केड्यूल। कोई पेपर जो आप ना देना चाहें, मुश्किल लग रहा हो, आप चाहते हैं कि एक दो दिन बाद मैं देना चाहता हूँ, दो तीन दिन बाद देना चाहता हूँ, या कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आपको मिस करना पड़ा, या आप सुबह 7 बजे एग्ज़ाम था, आप लेट हो गए, 8 बजे उठ पड़े और देखा तो आज तो मेरा पेपर था। डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, एग्ज़ाम का बुखार भी हो सकता है और सर दर्द भी हो सकता है। अब मैं रीज़न बताता रहूँ तो अनबार लग जाएंगे, रीज़न बहुत सारी होती हैं। चलो देखते हैं, मैंने खुद इस बार ना एक रीस्केड्यूल करना है। तो आप रीस्केड्यूल पेपर LMS से कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने LMS को ओपन करो और अपना पेपर रिस्केड्यूल कर दें, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। किसी के पास ना जाएं, ना कैंपस में जाएं, ना किसी को कहें कि मेरा पेपर रिस्केड्यूल कर दो, आप खुद कर सकते हैं। ये LMS ओपन हुआ हुआ है, ये नोटिस पर, यहाँ पर क्लिक करना। मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो रिस्केड्यूल ऑफ मिस्ड या अनप्लैंड पेपर ओपन हो जाना जल्दी से। हो गया जी ओपन। ये है जी, वो कहते हैं कि ये जो रीप्लान की रिक्वेस्ट है ना, ये 15 तारीख से पहले पहले आप कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, ठीक है? और ये जो चांस होता है ना, एक बार मिलेगा चांस, बार बार नहीं होगा। बार बार आप नहीं कहना कि मेरे सर में दर्द था और मैं सो गया, ये सारे रीजंस, एक बार, ठीक है? इसकी फ़ी भी है 2000, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी। खैर है, वो कुछ दिन बाद भी पे कर देना, ज़रूरी नहीं है कि अभी अभी पे करो तब आपका रिस्केड्यूल होगा, नहीं, कुछ दिन बाद भी आप पे कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है, ठीक है? 2000 रुपीज़ एक पेपर की। और आप जो हैं वो मैक्सिमम 6 पेपर जो हैं वो आप रिस्केड्यूल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा होंगे भी नहीं। और इसका प्रोसीजर क्या है, ये मैंने वैसे पढ़ाना था आपको, प्रोसीजर तो मैं आपको बताता हूँ क्या है। लेट आपने कोई पेपर छोड़ना हो ना, आपने करना क्या है, पेपर देना ही नहीं है। अगर आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, वहाँ पर लॉग इन करते हैं, वो पेपर फिर आपका रिस्केड्यूल नहीं होगा। वो पेपर रिस्केड्यूल होता है जो आप छोड़ के आ जाएं, जाएं भी नहीं, लॉग इन भी ना करें, कैंपस ना जाएं, अपने कंप्यूटर पर जाकर अपना पासवर्ड ना डालें, ठीक है? तो आप आए उसी दिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपके LMS पर आ जाएगा। कैसे आएगा? आपने जाना है ये स्टूडेंट सर्विस पर, जिस दिन आपने पेपर छोड़ना है उसी दिन या दूसरे दिन, ठीक है? 15 तारीख से पहले पहले ये करना सारा काम। ये स्टूडेंट सर्विस ओपन हो गया, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ये है, ठीक है? हम थोड़ा ऊपर करते हैं। ये पड़ा है अप्लाई फॉर रीस्केड्यूलिंग पेपर, इस पर क्लिक करें। कर दिया जी। लास्ट डेट फॉर अप्लाई, इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 15 है, इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई वही पेपर होगा जो आप छोड़ देंगे, ठीक है? अब जिस दिन पेपर होना है वो 17 तारीख को आपको पेपर होना है, जो पेपर आप छोड़ेंगे वो पेपर 17 तारीख को होगा। अब नीचे लिखा पड़ा है कि इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है? जिस दिन आप पेपर छोड़ेंगे ना, 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर वो इधर मौजूद दिखाई देगा आपको, ठीक है? आपको नज़र आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे रिस्केड्यूल करना है। यहाँ से फिर आप उसको रिस्केड्यूल करोगे, कंफर्म कर दोगे, वहाँ पर लिखा होगा कि आपने 2000 रुपीज़ फ़ी देनी है, उसका चालान भी आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन फ़ी कुछ दिन बाद भी आप देख सकते हैं, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो पेपर रिस्केड्यूल करने का सारा तरीका पता चल गया है। आप अपना पेपर खुद रिस्केड्यूल कर लेंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।